वायदे रा मठा। अब्राहम होर सारा रे कनान देश पुजने ले 10 साल ले बाद हली तक भी तिनरी कोई बच्चे नहीं थे। इदी कठे अब्राहमा री लाड़ी सारे देश कने बोलिया, क्योंकि परमेश्वर हली तक हाऊं बच्चे जो जमने लायक नहीं बनाई दी, और एबे हाऊं बच्चे जो जमने रे कठे बहुत खपरी हुई गई री। देख मेरी नौकरायण हाजिरा एथी ऐसा कने भी ब्याह करी ले, ताकि से मेरे कठे एक बच्चा जमी ले। इदी कठे अब्राहमे हाजिरा कने ब्याह करी लाया। हाजिरा रा एक मठा जम्या और अब्राहमे तीसरा नाम इस्माएल रख्या। पर सारा हाजिरा कने जल्दी लगी, जेबे इस्माएल 13 साल रा था, परमेश्वर दोबारा अब्राहमा कने गल कीती। परमेश्वर बोलिया, हाँ सभी ले महान परमेश्वर आ, माँ तेरे सौगी एक वाचा बाननी। तेबे अब्राहमे जमीना पर लंबे पई कने सजदा कित्या। परमेश्वरे अब्राहम तेस जो ये भी बोलिया, तुद बहुत सारी जातिया रा बापू बनना, माँ तुझो और तेरी पीढ़िया रे लोका जो तिनारी अपनी जमीना होने रे कठे कनान देश देना, और माँ हमेशा रे कठे तिनारा परमेश्वर बनना, तुझो अपने घरा रे हर धर्मा रा खतना करवाना पौना, तेरी लाड़ी सारा एक मठा जड़ना, तिस वायदे रा वह मठा होना, तीसरा नाव इजहाक रख्या, माँ तेसा सौगी अपनी वाचा बनाए रखनी, और से ता एक बड़ी जाति बनी जानी, माँ इस्माएल भी एक बड़ी जाति बनानी, पर मेरी वाचा इजहाका सौगी बनी रहनी। तेबे परमेश्वरे अब्राहमा रा नाव बदली कने अब्राहम करी दित्या। तीसरा मतलब आ कैया रा बापू। परमेश्वरे सारा रा नाव भी बदली कने सारा करी दित्या, जिसरा मतलब आ कैया री माओ। तिस दिहाड़े अब्राहमे अपने घरा रे सब मर्दा रा खतना कित्या। लगभग 1 साल ले बाद जेबे अब्राहमा री उम्र 100 साल हुई और सारा री उम्र 90 साल हुई, तेबे सारे अब्राहमा रे मठे जो जन्म दित्या, जेड़ा परमेश्वरे तिना जो बोलिया था, तिने तीसरा नाव इजहाक रख्या। जेबे इजहाक जवान होया था, परमेश्वरे ये बोली कने अब्राहमा रे विश्वासारी परखनी कीती, अपने एकलौता मठा लई कने तेस जो मेरे कठे बली रे रूपा मंज मारी दे। दोबारा अब्राहमे परमेश्वर री गल मनी और अपना मठा बली करने रे कठे तैयार कित्या। जेबे अब्राहम होर इजहाक बली चढ़ाने री जगह वखा जो जांदे लगे, ता इजहाके पूछा, हे बापू, असा वाले बली रे कठे लकड़िया ता हाई, पर बली करने रा गाबू के थिया। अब्राहमे जवाब दित्या, हे मेरे बेटे, परमेश्वर बली करने रे कठे गाबू रा इंतजाम आपुए करना। तेबे स्वयं बली चढ़ाने री जगह पर पूजी गए, ता अब्राहमे इजहाक बानी कने वेदी पर लेटाई दित्या। से अपने मठे मारने ही वाला था कि परमेश्वरे बोलिया, रुकी जा, बच्चे जो नुकसान मत पहुंचा, एबे हाऊं जानी गया कि तू मेरा डर मना, क्योंकि ते अपना एकलौता मठा भी मेरे ले बचाई कने
भी नहीं रखा। नेड़े ही अब्रामे एक गाबू देखा जो झाड़िया मंज फसिरा था। इजहाका रे बदले बली रे कठे परमेश्वरे गाबू रा इंतजाम कित्या था। अब्रामे बहुत खुशी कने गाबू री बली चढ़ाई दीती। तेबे परमेश्वर अब्रामा कने बोलिया, क्योंकि तू मेरे कठे सब कुछ देने जो तैयार था, इती तक कि अपना एकलौता मठा भी, इदी कठे हाँ तुझो आशीर्वाद देने रा वायदा करा। तेरी पीढ़िया रे लोग सरगा रे तारिया ले भी ज्यादा हुणे, क्योंकि तैं मेरा हुक्म मनीरा। इदी कठे माँ तेरे परिवार रे जरिए संसार रे सब कुला जो आशीष देनी। उत्पत्ति अध्याय 16 ले 22 ले एक बाइबलारी कहानी।